अराकीन की हाजिरी कम होने पर पंजाब असेंबली का इजलास एक घंटे के लिए मुलतवी। डिप्टी स्पीकर जहीर चन्नड़ पंजाब असेंबली इजलास में हुकूमती अराकीन की अदम दिलचस्पी पर सख्त बरहम। बोले, हुकूमती अराकीन का ऐवान में ना आना समझ से बालातर है। राना आफ्ताब अहमद की तनकीद, कहा खाली कुर्सियों को बजट सुनाना है, हुकूमत हमारा मजाक उड़ा रही है। राना शहबाज का इजलास मगरब के बाद रखने का मशवरा। डॉक्टर नर्सिस के एक्शन पर हुकूमत का रिएक्शन, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र। 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। सुबह भर में हर किस्म के जलसे, जुलूस और रैली निकालने पर मुकम्मल पाबंदी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल ने नोटिफिकेशन जारी किया। पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1989 के तहत लगाई। गुलकार मलकू का नाम PNI लिस्ट में डालने के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने केस जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की अदालत में भिजवा दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और DG पासपोर्ट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। शहबाज गिल के भाई गुलाम शब्बीर की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर समाअत। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत के रूबरू जमा करवा दी। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद कार्रवाई कुछ देर तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस अमजद रफीक ने मोहम्मद यासिन की दरख्वास्त पर समाअत की। मेडिसन रेट का इख्तियार कंपनियों को देने का इकदाम हाई कोर्ट में जारी। दरख्वास्त शहरी मोहम्मद असलम ने नीम सरवर एडवोकेट की विसादत से दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ड्रैप समेत दीगर को फरीक बनाया गया। आज भी पंजाब के मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम। 10 लाख रुपये से जायद के फंड जारी कर दिए। लाहौर पुलिस के रिटायर्ड हेड कॉन्स्टेबल खुर्शीद अहमद को इलाज के लिए 2 लाख रुपये जारी। फैसलाबाद के सीनियर ट्रैफिक वार्डन राशिद रशीद को अहलिया के इलाज के लिए 2,50,000 रुपये दिए।